यहाँ मंडी हाउस आए हुए थे, आज मंडी हाउस को एक्सप्लोर करने। अभी बारिश हो गई, देखिए क्या हाल हो गया हम दोनों का, भीग चुके पूरी तरीके से बारिश में। सारा प्लान कैंसिल हो चुका है, तो अभय का मूड बहुत ऑफ हो चुका है क्योंकि हम जा रहे थे मंडी हाउस का ब्लॉग बनाने और कल की तरह फिर से बारिश होने लग गई है। देखो भाई, ऐसे कार्स में हम कब घूमेंगे भाई, ये वल्गर मत किया करे, ये हमेशा वल्गर कर देता। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कार्स हम लोग कब घूमेंगे, लाइक दिस माय कार वल्गर कर देता है। बर्गर वर्कर। अभी हम लोग मंडी हाउस जाने वाले थे, हमने सोचा आज हम मंडी हाउस को एक्सप्लोर करते हैं। हमने बहुत दिन से ये प्लान बना के रखा हुआ था। आज सीन क्या हो गया, जैसे हम जाने वाले थे मंडी हाउस, हमने बहुत मुश्किल से आज टाइम निकाला क्लास से, ओके। और जैसे हम बाहर आए बारिश होने लगी, होप सो अंधेरा ना हो जाए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, देखते आगे क्या होता है। अबे बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि कल भी उसका प्लान फेल हुआ और आज भी हुआ, क्योंकि बारिश, देखिए बारिश का कुछ पता ही नहीं है कब तक ये शांत होगी, कब तक रुकेगी। एंड सी अवे फेस। वन आवर लेटर। भाई फोन रख ले, भाई फोन रख ले। A few moments later। हम यहाँ मंडी हाउस आए हुए थे, आज मंडी हाउस को एक्सप्लोर करने। अभी बारिश हो गई, देखिए क्या हाल हो गया हम दोनों का, भीग चुके पूरी तरीके से बारिश में। बस नीचे ध्यान देना, कोई आके ठोक ना दे। ये है मंडी हाउस का मेट्रो स्टेशन, वो है बस स्टॉप, वहाँ पे हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं। और ये मेट्रो स्टेशन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे मेरे जूते भीग चुके हैं हम दोनों के। सूर्यास्त का टाइम है। वो है मंडी हाउस सर्कल, जहाँ पे बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स की क्लासेस चलती है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हिमाचल भवन अभी बंद पड़ा हुआ है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मंडी हाउस को अच्छे से। ये रहा मंडी हाउस का वो सर्कल, तो अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग SRCC जाएंगे, बिकॉज बारिश हो रही है, वो पूरा भीग चुका होगा। आपको मिलने वाले हैं, आज देखिए हम आपको यहाँ पे, आप पीछे ध्यान दे, बस आ रही है ठोक देगी। ये है जीब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पे हम लोग अभी रोड क्रॉस करने वाले हैं। अबे कब क्रॉस करेंगे यार, अबे कब सड़क क्रॉस करेंगे भाई। यहाँ 2 days later वो उधर मेट्रो स्टेशन है, अभी हम लोग थोड़ी देर में पार्क निकलेंगे। और ये हम आ गए हैं, अभी मैं दिखाने वाला हूँ। हाँ ये है श्रीराम थिएटर, वहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, अंदर तो नहीं जा पाऊंगा अभी, बट वहाँ जो स्टॉल दिख रहा है ना, वहाँ पे एक सेकंड, वो स्टॉल है, वहाँ पे सारे आर्टिस्ट बैठ के समोसे खाते हैं, ये हमारे यहाँ का फेमस समोसे वाला है। Thank you.
ये तो अब हम चलते हैं NSD की तरफ और हम आपकी मुलाकात कराते हैं NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो हर किसी स्टूडेंट का जो एक्टिंग की दुनिया में दिलचस्पी रखता है उसका सपना है। तो आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं NSD। एक्चुअल में वो हमारा भी सपना था पर उसका जो क्राइटेरिया शक्ल दिखा दे यहाँ पहले अरे बालों की पूरी वाट लग चुकी है। देखो हम लोगों ने पता है क्लास में बहाना बना के यहाँ पे आया था, आज सोचा हमने मंडी हाउस का ब्लॉग करेंगे बट सीन कुछ ऐसा हो गया, बारिश हो गई बट स्टिल हम लोग पूरे भीगे हुए हैं, हम और ये भी भीगा हुआ है, भीगते हुए हम लोग चल रहे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं मंडी हाउस में। देखो मज़ा बहुत आ रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है। देखिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो के लिए तो एक लाइक तो बनता है, तो जरूर कर देना। ओके जस्ट इन्फॉर्मेशन, मैं यूट्यूबर आदत हो गया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वो है मंडी हाउस सर्कल, वहीं पे हमारी क्लासेस चलती थी, वहाँ पे बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स आपको मिल ही जाएंगे। हाँ वहाँ पे हम रिहर्सल्स किया करते थे। ये भाई यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये मोमेंट कैप्चरिंग मोमेंट्स। ये है पार्क, हम लोग सेंटर पार्क जल्दी जल्दी कर, पता है यहाँ पे सबसे मुश्किल है रोड क्रॉस करना और हमारे लिए तो बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। अभी हमें इस छोर से इस छोर तक जाना है। चलो भाई चलते हैं, देख के सड़क पे चलते हुए ब्लॉग ना करें कृपया करके। ये क्या ब्यूटीफुल व्यू है, उधर है मेट्रो स्टेशन और हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है पार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क। कभी यहाँ पे इतने सारे रिहर्सल्स होते थे, इतने सारे ग्रुप्स होते थे। ये है मंडी हाउस सर्कल, अभी हम लोग बिल्कुल सर्कल के मेन सेंटर पे जाके फिर रिकॉर्ड करते एक बार चारों तरफ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑन सिंगल फ्रेम। और अगर हमें यहाँ पे अगर डायरेक्टर साहब मिलेंगे तो उनसे हमारी मुलाकात करेंगे, जो कि बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा। एक सेकंड, हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। ये है मंडी हाउस का सर्कल का सेंटर और यहाँ से हम चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं। यो वो है, अबे वो कौन सा है, रेट्रो? वो दूरदर्शन भवन है। इधर NSD, इधर ही है NSD, इधर NSD है। और इस वाले रोड में क्या है, इस वाले रोड में ये रोड दो चार रोड है, इसमें कुछ भी नहीं है, बारह खंबा रोड है। और अच्छा बारह खंबा रोड, अच्छा बारह खंबा रोड में दिखा रहा हूँ इस पे में, वो देखिए ये रोड है। हाँ आज तो पूरा कैप्चर कर, NSD यहाँ ना इस वाले रोड में या इस वाले रोड में। भाई कितना रोड है, एक सेकंड, एक दो तीन चार पाँच छः, ओ भाई छः है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। चलो अब तुम रिकॉर्ड करो, हमने बहुत छोटी खा ली। ओके सो अभी हम लोग जाएंगे NSD, बस थोड़ा नीचे कर सकते ना, फाइन तो नहीं लगेगा ना। अभी हम लोग NSD जाएंगे, NSD यार सपना होता है सारे एक्टर्स का। और यहाँ ये देख रहे हो ये मंडी हाउस सर्कल है, इस सर्कल पे मतलब ये ऐतिहासिक बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लीजेंड्स लाइक इरफान खान सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान सर, ये सारे मतलब यहाँ से जा मतलब समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं यार तुम, डिक्शन प्रॉब्लम है भाई, डिक्शन प्रॉब्लम नहीं है, अटकता है मतलब थोड़ा नर्वसनेस हो जाती है ना, कोई इशू नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्रगलर्स के लिए ये दुनिया एक अलग ही दुनिया रही है। यहीं से हर एक्टर के लिए पाथ भी कह सकते हैं इस जगह को, यहीं से तो बड़े बड़े एक्टर्स बाहर निकले, मतलब कितने बड़े बड़े एक्टर्स, काफी सारे एक्टर्स की शुरुआत यहीं से हुई थी। अभी NSD चलते हैं ना, एक चीज और दिखा देते, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, लाइक अगर आप भी कहीं दिल्ली के बाहर हो और आप भी थिएटर ज्वाइन करना चाहते हो, हालांकि इस वाले सर्कल पे बहुत सारे थिएटर ग्रुप एक्टिव थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन अभी पता नहीं जब से लॉकडाउन हुआ है आर्टिस्ट को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, एंड सेकंड गर्मी भी थोड़ा सा ज्यादा हुई है इस वजह से, अभी बहुत ज्यादा थिएटर ग्रुप लाइक एक्टिव नहीं है इस वाले सर्कल पे। पहले तो पहले का वाइब ही अलग था ना, पहले का पूरा अलग हो रहा था, अभी तो बहुत भीड़ कम हो गया है, बहुत सारी चीजें हुई है, बट यार इस जगह पे आने के बाद एक अलग ही फीलिंग होती है। और हमारी क्लासेस भी इससे मैं दिखाता हूँ, वो जो भैया वहाँ बैठे हो, हमारी क्लासेस वहीं पे चलती थी। और मेरा जो पहला प्ले था लाइक पहला एक्ट, फर्स्ट डे ऑफ माय क्लास जो मैंने थिएटर पे वीडियो बनाई थी, उसका एक्ट भी मैंने वहीं पे किया था उस वाली जगह पे। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा, कहाँ जा रहे हो बड़ी,
एनएसडी अभी ने एक छोटा सा चीज़ मैं कहना चाहूँगा, लाइक मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात, पकड़ना कैमरा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक जो भी दिल्ली के बाहर हो, एक्टर बनना चाहते हो, थिएटर ज्वाइन करना चाहते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखना मैं कटरों में मेरा फेस आ रहा है, एक बार चेक करना। हाँ, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम कुछ चीज़ें, ये तीन चीज़ें कहीं पे कॉपी पे नोट कर लो, इन तीन चीज़ों पे तुम्हें काम करना होगा बेसिकली अगर तुम थिएटर ज्वाइन करना चाहते हो। फर्स्ट, योर वॉइस, स्पीच एंड डिक्शन। सेकेंड, ऑन योर क्राफ्ट। एंड थर्ड, योर कॉन्फिडेंस। इन तीन चीज़ों पे काम करना। तुम कहीं भी जाते हो, कोई सा भी थिएटर ग्रुप ज्वाइन करते हो, इन तीन चीज़ों पे फोकस करना और ये चीज़ नोटिस करना कि क्या तुम्हारे अंदर ये तीन चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो समझ जाना सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। तो इन तीन चीज़ों पे मेन फोकस करना। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट योर वॉइस, स्पीच एंड डिक्शन। सेकेंड, योर क्राफ्ट, मीन्स योर एक्टिंग एक्सप्रेशन एंड ऑल। एंड थर्ड, योर कॉन्फिडेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। इधर पकड़ना, जो कि अभी मेरे अंदर नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। आई नो, अब मेरा बड़ी कुछ बोलेगा, स्पीक। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी मेरे फ्रेंड ने बताया आपको कि अगर आप भाई कैमरे में देख के बोलो कॉन्फिडेंट है, वो बोलो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट। देखिए अभी जैसे मेरे फ्रेंड ने आप सबको बताया कि आप अगर एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हो तो आपकी डिक्शन, रीडिंग, इन सारी चीज़ों पर आपका प्रॉपर वर्क होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका इन सारी चीज़ों का नहीं हो पा रहा है कवर अप तो आप एक्टर नहीं बन पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये भी सोचते हो कि आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट नहीं है तो आप कभी अपनी लाइफ में एक्टर नहीं बन पाओगे। एक्चुअल में टैलेंट नाम की चीज़ कोई होती ही नहीं है, हर कोई उस चीज़ को प्रिपेयर करके, उसके ऊपर काम करके उस चीज़ का टैलेंट अपने अंदर लेके आ सकते हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइएगा। अगर आप एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हो तो खुद पर काम करना स्टार्ट करें और किसी अच्छे से थिएटर ग्रुप को पकड़ें, रीडिंग्स पर काम करें। टैलेंट कुछ नहीं होता है, कीप इट अप। इतना ज्ञान लाते बोल कैसे दिए तुमने इतना, मतलब कैमरे के सामने इतना तुम बोल कैसे दिए? तो भाई तो फटके हाथ में आ जाते ना भाई, डरते हम कैमरे से। ऐसे तो मतलब इतना सारा अथाह ज्ञान लेके बाबा जी बैठे हुए हैं और जब कैमरा ऑन होती है इनका माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। बोल भी कौन रहा है? मैं, मेरे पहले वीडियोज जाके देख लो, कैमरा ऑन होती है मेरा माइंड स्विच ऑफ हो जाता था। लाइक चलिए अब हम स्टडी एनएसटी है, मैं चलिए अब हम एनएसटी चलते हैं। मैं आपको पास जाके बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हाँ, अब बाबा जी एनएसडी के पास जाके भी ज्ञान देंगे। भाई सड़क अच्छे से क्रॉस करियो, यहाँ बहुत सारे वो होते हैं। वैसे हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज हम मंडी हाउस आके यहाँ एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, बिकॉज कंडीशन आज की बहुत ख़राब थी। बट मुझे खुशी हो रही है मैं यहाँ आके एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ चीज़ों को। और हम लोग अभी स्ट्रीट वॉक पे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ पे एनएसडी। अभी हम एनएसडी जाएंगे और एनएसडी शो करने वाले हैं, लाइक द ड्रीम प्लेस ऑफ एवरी एक्टर। लाइक मैं भी फर्स्ट टाइम ही अभी एनएसडी जा रहा हूँ, यू नो, सीरियसली मैंने अभी तक एनएसडी नहीं देखा है कैसा है। मैं भी आज पहली बार ही जा रहा हूँ वहाँ पे। अंदर घुसने तो नहीं देंगे नो डाउट, बट ट्राई करते हैं, बाहर से ही कुछ दिखा। द प्लेस इज हियर, वेट आई एम जूमिंग, थोड़ा और जूम, लुक, वेट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, अभी हम दिखाने वाले, होप सो। वो अभी बंद है, लाइक ओपन है, अंदर जा सकते क्या? ये रिकॉर्ड करने नहीं देंगे आई थिंक, सो नहीं देंगे ना, काम कर सकते, रिकॉर्ड कर सकते, जस्ट वेट। हाँ, कैसे कर सकते इसको? बंद कर, फिलहाल बंद कर, फिलहाल बंद कर, कैसे कर सकते हैं भाई? अभी बात करेगा, पता नहीं, मास्क लगा ले, पता नहीं रिकॉर्ड करने देंगे कि नहीं। हम लोग जस्ट जाके अभी बात करते, प्रोसीजर क्या है, कैसा है। थैंक यू। यो डन, अभी भाई अंदर गया था, बात किया था, उन्होंने कहा कि हमें रिसेप्शन काउंटर पे जाके सारी इंक्वायरी लेनी होगी। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि रिसेप्शन काउंटर अभी बंद है, तो अब ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। टाइम दिख रहा है यहाँ पे? दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ, अभी 7:45 हो रहे हैं, कुछ देर में शाम हो जाएगी, लाइक रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन लेके शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो भी चीज़ें होगी हम सारी चीज़ों को शेयर करेंगे। तो हमने ऑलरेडी सारा टूर कर लिया, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, तो हम वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। होप सो यू लाइक इट,
एंड बापरे पता दिल्ली पुलिस आ रही थी, अगर हमारा मास्क पीछे, वहाँ दिल्ली पुलिस अगर हमारा मास्क नीचे देख लिया होता हम दोनों को 2,000 देना पड़ता है यार। हमने एक बार फंसे भी, एक बार हम ऑलरेडी मंडी हाउस में फंस भी चुके इस चक्कर में। सो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो यू लाइक दिट। एक सेकंड स्टॉप होना। हमें आज बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, यहाँ पे देखना, हमें आज बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम ये वीडियो कर भी पाएंगे, बट स्टिल हमने किया। अच्छा लग रहा है। सो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप सो वीडियो पसंद आई हो आपको। हमने मंडी हाउस का जस्ट एक छोटा सा टूर करवाया है। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम और अच्छे से एक्सप्लोर सारे डिटेल्स वगैरह सब कुछ। ये तो मतलब सडनली एक प्लान बन गया था, तो इसी वजह से ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, बट जो भी है जैसा भी, होप सो यू लाइक इट। नेक्स्ट टाइम मैं सारी चीज़ों को डिटेल में शेयर करूंगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन क्वारी कुछ भी नीचे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, और कोई भी क्वारी नीचे कमेंट जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं थक जाता हूँ बोलते यू नो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत बोलना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी CDF है, और इसे भी फॉलो कर लेना। इसकी आईडी में दुनिया का सबसे मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड है था, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इसकी आईडी मुझे ढंग से याद भी नहीं है। N6NGH ये इसकी यूजर आईडी नहीं, इसका पासवर्ड है। ये पासवर्ड रखता है ना, थोड़ा पढ़ लिख लेते यार। जब बोला गया था यूजर आईडी देने, इसने पासवर्ड देख लिया। नहीं नहीं, यही मेरी यूजर आईडी है, 96NGH 96 या N6 N6 और इसको रहने देना, तुम मुझे फॉलो कर लेना। मेरी बहुत सिंपल है, CBF है, हो गया मेरा फर्स्ट पे आएगा। क्या हमें कुछ कुछ नहीं पता, हम लोग भाई तुम रहने दे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लेना। ओके सो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गुड डे, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। आज तो हमारा सडनली प्लान बन गया, इसलिए हम बहुत कुछ कर नहीं पाए, बट नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, और जितने भी लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम लोग उनसे बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे बात करेंगे, मतलब उनसे इंटरेक्ट करेंगे, और चीज़ों को कुछ अच्छे से और बेहतर वे में एक्सप्लोर करेंगे।